बॉन्ड इट। प्लास्टरिंग के समय हम बहुत सारी चिकनी सतह के संपर्क में आते हैं, जैसे आरसीसी से बनी छत, आरसीसी की बनी दीवार और बीम और कॉलम। इन सतहों पर प्लास्टर बनाने से पूर्व एक बॉन्डिंग परत लगाना अनिवार्य है, ताकि प्लास्टर और इन सतहों के बीच मजबूती प्रदान की जा सके। जिप्रॉक बॉन्डिट एक अद्भुत उत्पाद है जो प्लास्टर और आरसीसी वाली सतह के बीच दुगनी मजबूती प्रदान करता है। बॉन्डिट लगाने के लिए आवश्यक वस्तुएं: बॉन्डिट बाल्टी, मिश्रण के लिए एक पात, पुताई के लिए ब्रश या एक रोलर, पानी छिड़काव के लिए। सबसे पहले एक सूखे ब्रश की मदद से आरसीसी वाली सतह को पूरी तरह से साफ कीजिए, ताकि उसमें से हर तरह की गंदगी साफ हो सके। बॉन्डिट को लगाने का तरीका: अब बॉन्डिट बकेट को खोलकर उसे अच्छी तरह मिलाएं, ताकि उसमें मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स चारों तरफ फैल जाएं। अब आरसीसी सतह पर पानी का छिड़काव करें, इससे बॉन्डिट की खपत कम होगी और मटेरियल ज्यादा फैलेगा। इसके बाद पेंट ब्रश या रोलर को इसमें डिप करें और सतह पर सिर्फ एक बार हाथ चलाते हुए कोटिंग करें। बॉन्डिट का कवरेज 1 kg में लगभग 50 वर्ग फीट आता है। अब इस पेंट की गई सतह को सूखने के लिए 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अब ये सतह प्लास्टर करने के लिए तैयार है। ध्यान देने योग्य बातें: बॉन्डिट का इस्तेमाल जिप्सम प्लास्टर और सीमेंट प्लास्टर दोनों सतहों पे किया जा सकता है, जिससे आरसीसी और प्लास्टर के बीच की मजबूती बढ़ाई जा सके। बॉन्डिट में पानी बिल्कुल न मिलाए, क्योंकि ये इसकी मजबूती को कम करता है। सतह पर एक से ज्यादा बार कोटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉन्डिट में मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा मजबूती प्रदान करने में सहायक हैं। तो सिर्फ ओरिजिनल जिप्रॉक उत्पाद लगाएं और समय और पैसे दोनों बचाएं।